हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बसेस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और जनरली ये टाइप्स ऑफ बसेस हम किस बेसिस पे बनाते हैं कि वो बस कैरी क्या कर रही है। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस बस मतलब क्या कैरी कर रही है, ये एड्रेस। डेटा बस फॉर कैरिंग द डेटा एंड कंट्रोल बस फॉर कैरिंग द कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। सो यहाँ पे आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और यहाँ पे हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। और जल्दी अगर हम बात करें सबसे पहले एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस क्या कैरी कर रही है एड्रेस को। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी में या फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से अगर मुझे कुछ भी फेच करना है, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है, तो उसके लिए सीपीयू क्या करता है या माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है। और वो एड्रेस जो है वो एड्रेस बस से होता हुआ जाएगा, और जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन से हमने डेटा को फेच करना है वो लोकेशन जो है कहां पे होगी, एड्रेस बस में। जैसे अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो यहां पे जो एड्रेस बस की लेंथ होती है वो क्या होती है, 16 बिट्स। 16 बिट्स मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मेमोरी के अंदर कितने हुए, 2^16, विच इज 65536। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं कि लेट से एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो मेमोरी है उसमें हमारे पास ये एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस की लेंथ है लेट से 3 बिट्स। तो इसका मतलब क्या बना कि जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हमारे पास 8 स्लॉट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो टोटल कितने स्लॉट्स हो गए यहाँ पे, 7। और इसको 3 बिट्स, 3 बिट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए 0001 0010 0011 1001 1010 1111। मतलब अगर हम ये बोलें कि एड्रेस बस जो है उसकी लेंथ है 3 बिट्स, तो वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है कि 2^3, मतलब 8 जो है वो स्लॉट्स हैं, 8 लोकेशंस हैं मेमोरी के अंदर, जिसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं, कि मतलब 8 प्लेसेस हैं जहां पे डेटा जो है वो पड़ा हो सकता है। तो जनरली अगर हम बात करें 8085 की, जैसे मैंने बोला है 16 बिट्स हैं, तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मेमोरी के अंदर कितने हुए, 2^16, विच इज 65536। तो इतने स्लॉट्स में से मेरे को कहां से डेटा उठाना है, लेट से मेरा स्लॉट नंबर है ये, तो मेरे को x जो है उठाना है और उसकी लोकेशन क्या है, 101। तो एड्रेस बस में क्या आएगा, 101। और लेट से कि अगर हमारे पास वैल्यू है 16 बिट्स की, और अगर हमारे पास सिर्फ एड्रेस है 101, तो जो MSB बिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, 00 हो जाएंगी। सिंपल सा फंडा है, एड्रेस बिट हमारे पास शो करती है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है वो मेमोरी के अंदर कितने हैं, और ये है यूनिडायरेक्शनल, मतलब प्रोसेसर से हमारे पास, प्रोसेसर जनरली जनरेट करता है एड्रेस, और वो एड्रेस जो है हमने कहां से उठाना है, लेट सपोज मेमोरी से उठाना है, लेट सपोज हमें इनपुट डिवाइस से कुछ वैल्यू उठानी है, या फिर हमें आउटपुट डिवाइस तक, कोई जगह, कोई भी आउटपुट डिवाइस तक हमें कोई वैल्यू को पहुंचाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहां पे एड्रेस बस को। देन अगर हम बात करें डेटा बस फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब लेट्स सपोज अगर हम बात करें यहां पे इनपुट डिवाइस से अगर हमने कुछ भी फेच किया, लेट्स से कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया, तो वो वहां से कैसे जाएगा, वो सबसे पहले डेटा बस में जाएगा। लेट्स से यहां से देखो डेटा बस में गया, और डेटा बस से फिर वो जाएगा प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के पास हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उन रजिस्टर्स में जाके डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। तो ये बेसिकली फंडा है कि कैसे हमने डेटा को ट्रेवल करना है। और ऐसी अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर से, लेट्स से मैंने कुछ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया, और वो डेटा मुझे शो करना है प्रिंटर के ऊपर, या वो डेटा मुझे मॉनिटर के ऊपर शो करना है, विच इज अ आउटपुट डिवाइस, तो हम कैसे शो करेंगे, यहां से वो डेटा जाएगा और वो आउटपुट डिवाइस में जाके शो हो जाएगा। तो डेटा को ट्रेवल करने के लिए, डेटा को भेजने के लिए हम यूज करते हैं किसको, डेटा बस को। तो ये इस तरफ भी जा सकता है और दूसरी तरफ भी जा सकता है, तो इट इज अ बाई डायरेक्शनल। और बिटवीन द रजिस्टर ऑल्सो, जैसे रजिस्टर सारे कहां पे लगे हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो जैसे डेटा रजिस्टर है हमारे पास, टेम्परेरी रजिस्टर है, इन रजिस्टर्स के अंदर भी अगर डेटा को इधर उधर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, डेटा बस को ही यूज करते हैं। और ये जनरली कितने लेंथ की होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके वर्ड का साइज कितना है। मतलब जैसे कि हमने एड्रेस के अंदर बात की थी कि एड्रेस बिट क्या शो करती है कि कितने लोकेशंस हैं हमारे पास मेमोरी के अंदर, और डेटा बस की लेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो डेटा आप उठा रहे हो यहां से, इस लोकेशन से जो डेटा उठा रहे हो उसका साइज कितना है। लेट्स से अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन में मैं 2 बाइट को स्टोर कर सकता हूं, मतलब
हमारे पास जो वर्ड का साइज है, हमने लास्ट वीडियो में भी वर्ड को डिस्कस किया था, जो वर्ड है वो बेसिकली हम यूज करते हैं मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो हमारे पास वर्ड का साइज है इस एग्जांपल में वो कितना है, 2 byte। तो मतलब मैं 2 byte स्टोर कर सकता हूं इस लोकेशन में, 2 byte यहां, 2 byte यहां, 2 byte। तो इसका मतलब क्या बना, 2 byte मतलब 16 bits। तो यानी डेटा बस कितनी बिट्स को कैरी कर सकती है, 16 bits को कैरी कर सकती है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट विद द डेटा बस। तो डेटा बस की लेंथ जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो मेमोरी के अंदर या मेमोरी से जो डेटा ला रहे हो वो लेंथ कितनी है। और मैक्सिमम लेंथ लेट्स स्पेस अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर हमारे पास 2 byte है, और यही लेट्स से कि इनपुट से जो डेटा आ रहा है, इनपुट से डेटा आ रहा है लेट्स से 1 byte का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 byte में क्या होगा कि लास्ट वाली जो 8 bits है उनको आप वैल्यू दो, और जो उससे पहले जो MSB है वो 8 bit क्या हो जाएंगी, 0000। सिंपल सा फंडा है कि जो भी डेटा है अगर डेटा या एड्रेस का साइज कम है तो आप LSB वैल्यूज को उतनी दे दो, और जो MSB बिट्स है वो क्या हो जाएंगी, सिंपली 000 हो जाएंगी। देन हमारे पास आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस बेसिकली यूज करते हैं हम कंट्रोल सिग्नल्स को या टाइमिंग सिग्नल्स को सेंड करने के लिए, और इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड हार्डवेयर है विच इज अ कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कब एग्जीक्यूट करना है इसके लिए पूरा का पूरा टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं बाद में तो हो सकता है कि उसमें मेरी आउटपुट में दिक्कत आए। तो जनरली हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं, लेट्स से अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में डेटा को लोड करना है, तो लोड एक क्या है, सिग्नल है। लोड मतलब उस पर्टिकुलर रजिस्टर में डेटा को लोड करने के लिए मुझे लोड को एक्टिव करना पड़ेगा। अगर मुझे इंक्रीमेंट करनी है कोई वैल्यू तो मैं इंक्रीमेंट कर सकूं। इसके अलावा लेट्स से मुझे अगर क्लियर करना है कुछ तो मैं क्लियर करने के लिए भी क्या करता हूं, कंट्रोल जो सिग्नल्स हैं उनको जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें मेमोरी की तो मेमोरी में अगर मुझे कुछ रीड परफॉर्म करना है, मेमोरी से कुछ रीड करना है या मेमोरी में कुछ राइट करना है, इसके लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। और टाइमिंग मतलब कि किस टाइम पे क्लॉक पल्स जो है कब एक्टिव करनी है, दैट इज व्हाट डन बाय द कंट्रोल यूनिट। और ये सारे सिग्नल्स कंट्रोल बस के थ्रू जो है वो ट्रेवल करते हैं। ऐसे अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट डिवाइस से अगर मुझे डेटा को कुछ रीड करना है और डेटा को कुछ राइट करना है तो ये सारी वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल बस को। तो ये बेसिक सा फंडा है, ऑल्दो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर अच्छे से समझना आपको तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप बड़े कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा क्रैम करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना। इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लेके आएंगे और जैसे ही इन सारे टॉपिक्स को हम रिलेट करके पूरी की पूरी सीरीज बनाएंगे आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।